किडनी की बीमारी के दौरान कुछ ही चीजें खा सकते हैं। इससे होता यह है कि आपकी जिंदगी थोड़ी बेरुखी सी हो जाती है, आपके खाने पीने में टेस्ट नहीं रह जाता और बहुत सारी चीजें आपको फीकी सी लगने लगती हैं। आपकी डाइट में आपको नमक और तेज मसाले जैसी चीजें भी कंट्रोल में रखने को कहे जाते हैं, जिस वजह से आपके खाने में टेस्ट ही नहीं आता। ऐसे में आप अपने खाने के टेस्ट बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं मिर्च पाउडर का। देखिए दोस्तों, वैसे तो हरी मिर्च एक शरीर के लिए अच्छी होती है और लाल मिर्च शरीर के लिए उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, पर किडनी की बीमारी के दौरान आप मिर्च पाउडर को हल्का बहुत यूज कर सकते हैं। यह आपकी किडनी की डाइट में आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लाल मिर्च पाउडर के इंसान के शरीर में कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि आपके शरीर में वेट लॉस में मदद करने की काबिलियत रखता है। मिर्च पाउडर में मौजूद होता है एक तरीके का कंपाउंड जिससे इसका तीखापन देता है। मिर्च पाउडर जैसी चीजें ऐसे में आपके शरीर के लिए काफी अच्छी हो सकती हैं। ये ना सिर्फ आपके खाने को एक तरीके का फ्लेवर दे देंगी, पर आपके शरीर में इन्फ्लामेशन भी कम करती रहेंगी। आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी इससे अच्छा बना रहेगा और आपके शरीर का वेट लॉस भी धीरे धीरे होता रहेगा। लाल मिर्च खाने से आपका शरीर का सर्कुलेशन भी अच्छा बना रहता है। ऐसा माना जाता है कि कई तरीके की लाल मिर्चों में मौजूद कंपाउंड्स आपकी मसल्स को भी इम्प्रूव करते हैं, आपके शरीर में जॉइंट पेन नहीं होने देते और आपके शरीर में जो टिश्यू डैमेज हुए हैं उन्हें भी आराम से बनने में मदद करते रहते हैं। और चूंकि इससे आपके खून का फ्लो भी अच्छा बना रहता है तो आपके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं होती। हाई ब्लड प्रेशर किडनी की बीमारी होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह मानी जाती है और आपके शरीर में दिल की बीमारियां भी नहीं होती। किडनी की बीमारी के दौरान मौत होने की सबसे बड़ा कारण होता है दिल की बीमारी हो जाना या फिर ज्यादातर लोगों में हार्ट अटैक हो जाना। इस लाल मिर्च से आपके शरीर में पेन के साथ साथ आपके शरीर में इन्फ्लामेशन में भी कमी आती रहती है। अगर आपके शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ता जाएगा तो आपके शरीर में ब्लड क्लॉट भी बनने चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लड क्लॉट कहीं भी रुक कर आपके शरीर में कोई भी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। अगर ये ब्लड क्लॉट आपके दिल में रुक गए तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है और अगर यही ब्लड क्लॉट आपके दिमाग में रुक गए तो आपको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। ऐसी कई सारी मिर्चों में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है जो कैंसर से लड़ने तक में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप सही मात्रा में ये पेपर लेंगे तो आपके शरीर में फैट भी नहीं बनेगा। आपके शरीर का एक्स्ट्रा फैट धीरे धीरे एनर्जी में भी कन्वर्ट होता रहता है। ये एनर्जी धीरे धीरे विटामिन्स को दे दी जाती है और आपके शरीर में सीकेटी से लड़ने में मदद भी मिलती है और आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग बना रहता है। इस मिर्च में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स एंटी एजिंग भी होते हैं, यानी कि ये उम्र से भी लड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना है कि लाल मिर्च ज्यादा मात्रा में आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। ये किडनी पेशेंट ही नहीं हेल्दी पेशेंटों के लिए भी नुकसानदायक तब बन जाती है जब इसे ज्यादा मात्रा में ले लिया जाता है या आपकी आंतड़ियों पर बुरा असर कर सकती है। इसलिए भले ही कोई भी चीज आपके लिए किडनी की बीमारी में अच्छी भी हो तो भी उसे कम ही मात्रा में लें। क्या खाएं क्या नहीं, इसकी लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी होती है, इसलिए आप नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबरों पर कुछ भी पूछने के लिए कर्मा आयुर्वेदा के एक्सपर्ट डॉक्टर्स और एक्सपर्ट डाइटिशियन की फ्री सलाह ले सकते हैं। आप चाहे तो नीचे कमेंट करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ डॉक्टर पुनीत धवन डेली न जाने कितने ही पेशेंटों की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाते हैं। चलिए आपको मिलाते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। नमस्कार दोस्तों, आज एक पेशेंट से और आपका परिचय कराएंगे जिनको किडनी की समस्या थी और जूझ रहे थे किडनी प्रॉब्लम से और आके समाधान मिला केवल और केवल कर्मा आयुर्वेदा में। जब आए थे संतोष, उस समय क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपको? जब मैं यहाँ आया था तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी मेरे को, क्रिएटिनिन भी काफी भरा हुआ था, यूरिया भी भरा हुआ था, वीकनेस थी बॉडी में, चल फिर नहीं पाता था मैं और काफी चक्कर वक्कर से आते थे, बीपी भरा हुआ रहता था। फिर यहाँ से जब से दवाई लिया है काफी इम्प्रूवमेंट है उसमें। काफी इम्प्रूवमेंट, क्या क्या फर्क आया संतोष खोल के बताइए। जो चक्कर वक्कर आते थे वो तो अब नहीं आते हैं और हीमोग्लोबिन भी भरा हुआ है और काफी इम्प्रूवमेंट है, चल फिर पाता हूँ। पहले मैं जॉब नहीं कर पाता था, आजकल मैं जॉब भी करता हूँ। अच्छा, काम भी आपने प्रॉपर शुरू कर दिया आपने जो समस्या है? जी हाँ जी, ये बहुत अच्छी चीज, काम भी शुरू कर दिया और अब सब कुछ कर रहा हूँ, अब नॉर्मली हो रहा हूँ, धीरे धीरे वापस जैसे पहले था वैसे ही नॉर्मल हो रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। और क्रिएटिनिन तो आपका 4.6 चला गया था, कहाँ है रिपोर्ट 4.6 पर जब आप फर्स्ट टाइम आए? वो रिपोर्ट घर पे है अभी, तो अभी लेके नहीं आया हूँ, लेकिन 4.6 था और काफी ज्यादा
प्रॉब्लम थी, अभी तो 2 पॉइंट के इर्द गिर्द आ गया। अभी 2 पॉइंट के इर्द गिर्द आ गया। 2 पॉइंट का रिपोर्ट कहाँ से कराया आपने अभी? ये मैंने हमारे घर के बगल में ही है। 4 पॉइंट की भी वहीं से कराई थी, आसपास से ही अपने? एम्स से कराई थी। अच्छा, तो एम्स गए थे आप दिखाने डॉक्टर को, क्या बताया था नेफ्रोलॉजिस्ट ने एम्स में? एम्स में बताया था उन्होंने कि ये बीमारी लाइलाज है, ये कभी ठीक नहीं होगा आपसे, और ये 4.6 है, जैसे ये 6 के लेवल को क्रॉस करेगा तो आप अंडर डायलिसिस हो जाएंगे। और मुझे तो इतना ज्यादा डेंजर वाली बात बोल दी थी आप जब बीपी कंट्रोल में नहीं है आपका, आप जब नेक्स्ट टाइम बीपी के बीपी बढ़ेगा और घबराहट होगी तो आप कहीं ना कहीं डॉक्टर या हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइएगा, यहाँ मत आइएगा मेरे पास, मतलब ओपीडी में मत दिखाइएगा, एडमिट हो जाइएगा। और नेक्स्ट जो है आपका लेवल है वो डायलिसिस का लेवल है, तो वो बताया था उन्होंने, और ये लाइफ टाइम आपको दवाई खानी। चकरा गए होंगे आप, उन्होंने ऐसा बोला होगा आपको। काफी ज्यादा टेंशन में हो गया था कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा लाइफ टाइम, और दवाई खाता रहूंगा, और नेक्स्ट टाइम डायलिसिस है तो फिर सर, और ट्रीटमेंट का भी जो ट्रांसप्लांट है उसके काफी ज्यादा खर्चे हैं, वो भी उन्होंने बताया कि कोई किसी का फिट बैठता है किसी का नहीं फिटता है, डोनर है नहीं है, और करीब 20-25 लाख रुपए खर्चा बताया था, तो उससे काफी ज्यादा घबराहट हो गई थी। लेकिन यहाँ जब से यहाँ आपका देखा मैंने यूट्यूब पे, जब से यहाँ से आया और यहाँ से दवाई ली मैंने फर्स्ट टाइम 3 मंथ के लिए, तो काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट था, अभी भी काफी इम्प्रूवमेंट है। तो एम्स में नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपको क्लियरली बता दिया था ये बीमारी लाइलाज है एम्स के अनुसार, ये बताया उन्होंने। जी, इसका तो अभी बढ़ता चला जाए, ऐसा बोला था, ये कम भी हो सकता है? बिल्कुल बोला था उन्होंने कि ये कम नहीं होगा, एक बार जहाँ चला जाता है उससे नीचे नहीं आता, उससे ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, हम स्टॉप कर सकते हैं दवाई से पर उसको डाउन नहीं कर सकते, स्टॉप ही नहीं, वो तो बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन उन्होंने बता दिया था ये नीचे नहीं आता, ये बढ़ता है। उन्होंने बोला था कि एक लेवल तक जो है दवाई से काम करेगा, रुकेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि दवाई भी बेअसर हो जाएंगी और वो बढ़ता चला जाएगा 8-10, और बढ़ते बढ़ते जो है डायलिसिस अंडर डायलिसिस में चला। बट आपका तो कम होना शुरू हुआ है। और 4.6 से 2 की रेंज में भी आया, 2.7 है। हाँ, और डायलिसिस के बाद भी उन्होंने बोला था कि डायलिसिस कराते साल 2-4 साल डायलिसिस पे रहिएगा, उसके बाद ट्रांसप्लांट नेक्स्ट ऑप्शन है, जो थर्ड सबसे लास्ट स्टेज है ट्रांसप्लांट है, तो उसमें जाना पड़ेगा आपको। ये सब चीजें बताई थी तो काफी घबरा गया था मैं उस टाइम तो, लेकिन उस लेवल से अभी मैं नेक्स्ट टाइम जब उसको उनको दिखाने गया था तो मैंने अभी 3.3 वाली रिपोर्ट दिखाई थी, तो थोड़ा शॉक्ड हो गए कि नीचे कैसे आ रहा है। अच्छा। क्या बोले आप? मैंने बोला मैम मेरा पहले तो 4.7 था, अभी मैं जब ये रिपोर्ट आपके यहाँ उनके लैब से ही कराया था, एक तो बाहर वाली रिपोर्ट भी थी उनकी, उनके लैब, तो उन्होंने बोला ये तो हमारे लैब में भी कम है, आपके आपका बीमारी शॉर्ट आउट हो रहा है, ठीक हो रहा है, पर जितना ही बोला थोड़ा शॉक्ड थी मैडम देख करके कैसे मतलब हो रहा है, ठीक हो रहा है बोलना। क्या है ना, उनके लिए नई बात है क्योंकि ये कम होता नहीं है। आपने उनके रिएक्शन पढ़ लिए, उनके फेस को आपने पढ़ लिया कि मैम शॉक हो रही है, आपको तो नहीं बोला होगा लेकिन उनके शक्ल से आपने बोला, शक्ल से लगा कि एकदम शॉक्ड हो गई कि ऐसे कैसे डाउन हो गया, ये कैसे हो गया, ये कम कैसे हो गया, ये तो बढ़ता ही, कम कैसे हो गया, कम कैसे हो गया, तो शॉक हो गई। और बीपी भी जो था काफी पहले तो 195 के आसपास रहता था हमेशा ही, बराबर था, घबराहट जैसी होती थी, तो वो भी जब उन्होंने ना पा तो बोला कि नहीं नॉर्मल ले लिया, थोड़ा बहुत है तो वो कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, आपने एम्स में ये डिस्क्लोज नहीं करा होगा कि आपका इलाज यहाँ से चल रहा है? मैंने नहीं बताया, मैंने शेयर नहीं किया कि मैं कर्मा आयुर्वेदा से दवाई ले रहा हूँ, मैंने ये शेयर नहीं किया, पर मैं उनको थोड़ा शॉकिंग देखना चाहता था कि उनका क्या रिएक्शन क्या आता है, कि ये रिपोर्ट देखने के बाद क्या रिएक्ट करते हैं। अभी मैं फिर अभी करीब 6-7 दिन के बाद अभी दिखाने वाला हूँ, फिर से टेस्ट कराया मैंने आज, तो वहाँ से फिर रिपोर्ट आएगी, फिर दिखाऊंगा, तो फिर अभी नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं। इस बार भी जरूर मुझे बताइएगा कैसा रिएक्शन रहा डॉक्टर। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से आप बता रहे हो उनके लिए बहुत नई चीज है। हमारे पास एम्स से कुछ वो भी आए थे, चलिए वो अलग चीज है, आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा, जैसे आपको बता रहे हैं बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी आया। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप किडनी पेशेंट्स को? मैं जिनको भी जो भी किडनी पेशेंट है उनको ये बताना चाहूंगा कि ये बीमारी लाइलाज नहीं है, इसका बिल्कुल प्योर इलाज है, और कर्मा आयुर्वेदा से आकर के संपर्क करें और यहाँ से बिल्कुल भी ठीक हो सकते हैं, एकदम 100% ठीक हो सकते हैं, नॉर्मल जिंदगी में वापसी हो सकती है उस बंदे की। आपकी वापसी हो रही है नॉर्मल जिंदगी में? वो हो चुकी है मेरी, हो चुकी है। संतुष्ट है आप? बिल्कुल संतुष्ट। संतोष है कि नहीं है? संतुष्ट है कि नहीं है? बिल्कुल, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। अपने पहले मेरी वाइफ भी काफी परेशान रहती थी, और काफी चीजें हमने वो भी करी, काफी सर्फिंग भी करी, काफी चीजें, लेकिन अब मेरी वाइफ भी संतुष्ट है, मैं भी काफी खुश हूँ कि मैं ठीक हो रहा हूँ, और एटलीस्ट एक आस जगी है कि मैं
एक दिन ठीक हो जाऊंगा, बिल्कुल कंफर्म ठीक हो जाऊंगा और अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापसी कर लूंगा। कंफर्म ठीक हो जाऊंगा, नॉर्मल जिंदगी में वापसी कर लूंगा, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, क्योंकि रिजल्ट्स बोलते हैं। रिजल्ट्स आपने देख लिए किस प्रकार से आए जी। बीपी 195 120 था, मैंने लिखा भी हुआ जब आप आए थे, काफी आए थे बीपी जी। बीपी चेक कर रहे हो आपने? रेगुलर चेक कर रहा हूँ मैं, और बीपी भी करीब नॉर्मल के रेंज में ही रह रहा है। पहले फ्लक्चुएट करता था ऊपर नीचे, जैसे 5 मिनट में ही चेंज किए, जैसे मैं चेक करता था अभी चेक किया 195 है, फिर वो या तो नीचे आएगा या ऊपर करेगा, 10-20 फ्लक्चुएट करता है। लेकिन अब जो है ना फिक्स हो गया एकदम, एक बार नापो या 50 बार नापो बीपी उतना ही रहेगा, कंट्रोल रहता है। और खुद से बॉडी वाइज भी पता लगता है, घबराहट सी नहीं होती है, और नॉर्मल पता लगता है कि वैसे बीपी जब बढ़ती है तो ऑटोमेटिक आदमी को बॉडी सिम्टम दे देता है कि बीपी बढ़ा हुआ है, तो वो चीज़ें नहीं है अब काफ़ी मैं वो। और पहले चल फिर नहीं पाता था, अब तो काफ़ी चल फिर पाता हूँ, काफ़ी अपना जॉब भी कर रहा हूँ मैं, और जॉब में भी अपना पूरा आउटपुट जैसे पहले काम करता तो वैसे नॉर्मल काम कर रहा हूँ। ऑफिस में किसी को लगता नहीं होगा कि आप बीमार हो जाएंगे? आपको लगता है बीमार है? देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बिल्कुल फिट है, बिल्कुल बढ़िया है, अपना डे टू डे सारा काम कर रहे हैं। मेरा बॉस, मेरे जो बॉस हैं उनको खुद को नहीं लगता है कि मैंने जब वहाँ पे ज्वाइन किया था तो मैं उनको बता दिया था कि मैं किडनी पेशेंट हूँ, तो जब मैं मेरा वर्किंग देखते हैं तो वो खुद ही शॉक्ड हो जाते हैं कि ये किडनी पेशेंट है। इतना मतलब नॉर्मल जो आदमी जैसे नॉर्मल आदमी वर्क करता है वैसे सेम वर्क करता हूँ मैं, एकदम 100% देता हूँ आपको। चलिए बहुत अच्छी बात है, सब जगह पे खड़े उतर रहे हैं, फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं अपना, वहाँ पे भी 100% दे रहे हैं, और साथ साथ जो काम है वो भी 100% अपना दे पा रहे हैं, और क्रेडिट टाइम जो कम हुआ ही है आपका, कहाँ से जांच कराई है ये आपने? ये मेरे बगल में ही है, और इससे पहले 4.7 के इर्द गिर्द था, तो अभी ये रिपोर्ट काफी अच्छी है और एक टाइम आगे मैं ठीक हो जाऊंगा, कॉन्फिडेंस है कि मैं ठीक हो जाऊंगा एकदम। यहाँ से दवाई कराऊंगा 100% ठीक हो जाऊंगा। बाकी लोगों को मेरी सलाह है कि यहाँ से जरूर दवाई कराएं, और एलोपैथिक में तो कभी ठीक होगा नहीं डॉक्टर जैसे वो बताते हैं, क्योंकि एम्स के सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट ने मुझे सलाह दी थी कि आपको भी ठीक नहीं हो पाओगे लाइफ में, पर यहाँ से जब से डॉक्टर साहब से मैंने दवाई कराया तो उससे मैं काफ़ी ठीक हूँ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी बॉडी वाइज भी लग रहा है, हेल्थ वाइज भी लगता है, हीमोग्लोबिन भी मेरा काफ़ी ठीक है, तो मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ यहाँ से दवाई करा करके। आपका बेटा भी आया है? जी मेरा बेटा हुआ है। बहुत अच्छी चीज है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी नजर आए हैं, और ये संतोष है कि किस प्रकार से इस बीमारी से जूझ रहे थे और आज किस प्रकार से इनको आराम मिला है, उसकी पूरी आत्मकथा बताते हुए आपके सामने कि किस किस प्रकार से इस बीमारी को जीता जा सकता है। कर्मा आयुर्वेदा ये सिद्ध कर चुका है कि इस बीमारी का जो इलाज है वो संभव है और वो होता चला जा रहा है। एक नहीं सैकड़ों नहीं, आज की डेट में हजारों ऐसे पेशेंट हैं जो संतोष की तरह संतुष्ट है। सही है, संतुष्ट है, आप भी संतुष्ट है और वो भी संतोष की तरह संतोष है उनको भी। स्टॉप किडनी डायलिसिस। तो देखा आपने कैसे कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक ज्ञान ने इस पेशेंट की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाया। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, हेल्दी रहें, खुश रहें।